उत्तर प्रदेश के 7 असेंबली सीटों पर हुए बाय इलेक्शन के रिजल्ट के लिए काउंटिंग की आज सुबह 8 बजे से शुरुआत हुई। एग्जिट पोल्स में जहां यूपी की 7 सीटों में से 5 या 6 पर बीजेपी की जीत बताई गई थी, वहीं समाजवादी पार्टी को 1 या 2 सीटें मिलने का अंदाजा जाहिर किया गया था। अब ऐसे में काउंटिंग की शुरुआत से ही 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हालांकि बाकी बची 1 सीट पर न ही एसपी, बीएसपी और न ही कांग्रेस का उम्मीदवार है, बल्कि जौनपुर की मल्हानी सीट पर एक आज़ाद उम्मीदवार आगे चल रहा है। यूपी के टोंडला, अमरोहा की नोगावा, कानपुर नगर की घाटमपुर, उन्नाव की बांगरमऊ, जौनपुर की मल्हानी और देवरिया सदर के साथ साथ बुलंदशहर की सीटों पर बाय इलेक्शन हुए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन इलेक्शन में जबरदस्त कोशिशें की थीं और शायद इसी वजह से इन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह में तब्दीली की जरूरत है? क्या आप हुकूमत की स्कीमों से लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्या आपके आसपास गैर कानूनी काम हो रहा है? क्या आपके आसपास बल्दी मसाइल का कोई पुरसा निहाल नहीं? क्या आप ड्रेनेज, रोड और पीने के पानी के मसाइल के लिए आवाज उठाना चाहते हैं? क्या आप मजलूम को इंसाफ दिलाना चाहेंगे? तो बीबीएन से राब्ता करिए और बन जाइए जनता की आवाज, सिटीजन जर्नलिस्ट। इसके लिए बस आपको वाकये की वीडियो या फोटो हम तक पहुँचानी है। आप हमें ऐसी वीडियोस या फोटोज व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। वीडियो फोटो के साथ आप अपना नाम, फोटो, पता और वाकई की जानकारी देना ना भूलें।